गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। आज मैं आपको पेट की जलन का बहुत ही सही सटीक इलाज शेयर करने वाली हूं। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई दवा खाने की जरूरत है, और ना ही कहीं बाहर जाने की जरूरत है, ना ही एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बस आपको अपने घर में ही, अपने फ्रिज में ही एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिसका सेवन करके आप अपने पेट की जलन को शांत कर सकते हो और राहत पा सकते हो। अब बात करते हैं पेट की जलन होती क्यों है। पेट की जलन होती है हमारी लापरवाही कारण। हम अपने लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं, अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम खाना जो है बहुत देर से खाते हैं। रात में देर से खाना खाओगे और सो जाओगे तुरंत ही, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि उस समय खाना पचता नहीं है और जो खाना होता है ना उससे एसिड बनता है जिसकी वजह से आपके पेट में जलन हो सकती है। इसके अलावा आप मिर्च मसाले वाला खाना खाते हो, डीप फ्राई खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, तब भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जिसमें मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसे आपको अवॉइड करना होगा अगर आपको ये दिक्कत रहती है। जी हाँ, पेट में जो जलन होती है, पेट में तो जलन स्टार्ट होती है, साथ ही हमें पेशाब करने में भी दिक्कत होने लगती है, जलन वहाँ पर भी होती है, और हाथ की हथेलियों में भी जलन महसूस होती है। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है इसलिए मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं भी ना मिर्च मसाले वाला खाना ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कंट्रोल नहीं होता है, फिर भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे ये दिक्कत है। बट हाँ, इसका एक इलाज भी मेरे पास है जो बहुत ज़्यादा मुझे राहत देता है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फ्रिज में जाना है और आपको लेना है वहाँ से चिल्ड दूध। जी हाँ, आपको ये दूध लेना है जो बिल्कुल चिल्ड हो, लेकिन हाँ दूध कच्चा होना चाहिए। आपको पका दूध नहीं लेना है, आपको कच्चा दूध लेना है। ये मत सोचिएगा कि यार तो कच्चा दूध है पीने में बहुत गंदा लगेगा, बिल्कुल गंदा नहीं लगता है, सही लगता है। अगर आप दूध, मैं बता दूँ मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन ये दूध मुझे बिल्कुल ठीक लगता है और बिल्कुल चिल्ड। आप देख सकते हैं इसमें दूध है, ठीक है, और ये देखिए इस ग्लास में, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे रख दिया है, लेकिन जब निकाला था बहुत ज़्यादा चिल्ड था, फिर भी अभी भी इस पर आप देख सकते हैं ये ओस की बूंदी जैसी बन गई है ना, और बहुत ही ठंडा है। तो इसको हमें पीना होता है। वाह, बिल्कुल गंदा नहीं लगता है। और हाँ, इसमें आपको चीनी भी नहीं मिलानी है, आपको ऐसे ही पीना है, घुट घुट पीना है, आपको बहुत ज़्यादा दूध नहीं पीना, बस आपको आधा गिलास ही दूध पीना है, इससे ज़्यादा आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये तरीका है। आप सोचोगे यार दूध की जगह हम आइसक्रीम खा लें या फिर कोई मिल्क शेक पी लें फलाना ढमाका, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है जितना कि ये इफ़ेक्टिव है। आप इसको ट्राई करो, बहुत ज़्यादा असर करेगा। एक ही बार में ये असर करता है। अगर आपको कम जलन है, स्टार्ट हुई है अभी तो नॉइज़ आ रही है इसलिए माफ करिएगा, तो एक ही बार में ये असर कर जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिन में एक या दो बार ले सकते हैं, ये राहत ज़रूर देगा। तो चलो मैं ऐसे पी लेती हूँ फिलहाल। बिल्कुल भी गंदा टेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसे पी सकते हो, बहुत ही सरल है। दूध तो आपके फ्रिज में होता ही है, बस कच्चा दूध, जब घर पे दूध है तब आप इसका सेवन कर सकते हो, या दूध नहीं है तो, कच्चा दूध नहीं है तो मार्केट से भी ला के सेवन कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको केवल बेनिफिट्स देने वाला है। तो आप ये नुस्खा जरूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपना कमेंट कमेंट्स बॉक्स में जरूर करना, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड पहली बार चैनल पर आया है तो प्लीज़ रेड कलर का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।